दोस्तों, ड्रोन को उड़ाना अब सिर्फ एक एडवेंचर ही नहीं बल्कि ड्रोन पायलट एक करियर ऑप्शन बन चुका है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी DGCA ने इसके लिए नई गाइडलाइन तैयार कर ली है और अब ट्रेंड पायलट ड्रोन उड़ाएंगे। ड्रोन कब, कहां और कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा यह भी पहले से तय होगा। ड्रोन पायलट अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी ड्रोन को उड़ाने और उसके संचालन के लिए जिम्मेदार होता है और ये किसी भी ड्रोन को रिमोट से चलाता है। ड्रोन के मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंट्रोलर, प्रोपेलर, ट्रांसमिशन, रिसीवर और बैटरी। ड्रोन पायलट्स की जरूरत कई जगहों पर होती है, जैसे आर्मी, एग्रीकल्चर, पुलिस, रेलवे, डॉक्यूमेंट्री, वीडियोग्राफी, GPS, डिलीवरी सिस्टम, मेडिकल, रियल एस्टेट्स और भी ऐसे कई एरिया हैं जिनमें जरूरत होती है। ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है बिकॉज टेक्निक के साथ टाइम और सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है एक ड्रोन पायलट को। जैसे अभी दक्षिण पश्चिम रेलवे में सवारी डिब्बे के कारखानों की सुरक्षा और निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है और 32 लाख रुपए की कीमत से 9 ड्रोन खरीदे गए हैं। इसके लिए भी पायलट की नीड है। ड्रोन उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटर परमिट, DGCA क्लियरेंस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत होती है, जो एक ड्रोन पायलट के पास होता है जब वो ट्रेनिंग कर लेता है। आज लोगों में इस नए करियर ऑप्शन के लिए भी जिज्ञासा है। इवन गर्ल्स भी इस सेक्टर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जैसे निशा सोलंकी, जो कि एक एमटेक स्कॉलर हैं, वो हरियाणा की पहली सर्टिफाइड और लाइसेंस ड्रोन पायलट बन चुकी हैं। वहीं लक्ष्मी, जो कि ग्रेजुएट हैं और हाउसवाइफ हैं, वो अब गुजरात की पहली ड्रोन पायलट बन चुकी हैं। इन्होंने DGCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से अपने ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट की है। इन सभी ने एक पाथ से अलग अपनी राह चुनी। हमारे देश में ड्रोन पायलट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि कैंडिडेट की एज कम से कम 18 साल हो और 10th या 12th पास होना जरूरी है। ऐसा है तब आप कोई भी ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग 5 से 7 दिनों की होती है दोस्तों, मतलब एक हफ्ते के भीतर ही आप लाइसेंस और सर्टिफिकेट ड्रोन पायलट बनकर अपना करियर बना सकते हैं। ड्रोन पायलट की स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपए तक होती है, जो कि बढ़ती रहती है। भारत में ड्रोन पायलट का कोर्स करिकुलम कुछ इस तरह से है। इस कोर्स में रेडियो टेलीफोनी, फ्लाइट प्लानिंग एंड ATS प्रोसीजर, टू द एरिया ऑफ ऑपरेशंस, फ्लाइंग एंड एरोडायनामिक्स नॉलेज, एयर स्पेस स्ट्रक्चर एंड रिस्ट्रिक्शंस और बेसिक एविएशन मेट्रोलॉजी। इंडिया में ड्रोन 5 कैटेगरी में होते हैं। नैनो, जो कि 250 ग्राम से कम या उसके बराबर है, माइक्रो, जो कि 250 ग्राम से अधिक और 2 किलोग्राम से कम होता है, स्मॉल, जो कि 2 किलो से बड़ा और 25 किलोग्राम से कम होता है, मीडियम, जो कि 25 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम से कम होता है, और लार्ज, जो कि 150 किलोग्राम से अधिक का है। कई स्टेट में अब ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल या इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। जैसे हिमाचल के कांगड़ा जिले के ITI में ड्रोन पायलट स्कूल बन चुका है, जहां स्मॉल बैच में ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके लिए MOU भी साइन हुआ है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ITI और ड्रोन डेस्टिनेशन के बीच। इसी तरह से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी अमेठी UP यानी IGRUA में भी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिनमें पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पर ट्रेनिंग दी जाती है। IGRUA के कोर्सेज पेज पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ड्रोन ट्रेनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। हर इंस्टीट्यूट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है और यहां पर मेंशन है कि 10th पास जिनकी मिनिमम एज 18 साल है वो एलिजिबल है अप्लाई के लिए। बिलासपुर, गुरुग्राम, कर्नाटक और नई दिल्ली में ट्रेनिंग लोकेशंस हैं। 5 दिनों की ट्रेनिंग होगी और कोर्स की डिटेल के लिए यहां पर क्लिक करना होगा। ये द ड्रोन डेस्टिनेशन का पेज है, जो कि IGRUA के लिए कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देता है। यहां पर नीचे ट्रेनिंग का सिलेबस है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से 5 दिनों में ड्रोन उड़ाना सिखाया जाएगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह की क्लासेस होंगी, जो कि ऑफलाइन होती हैं। अप्लाई के लिए एनरोल नाउ पर क्लिक करना होगा और फिर 2 स्टेप में फॉर्म भरना होगा। इसके बाद जैसे आपका नंबर आएगा आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाता है। इसमें फीस होती है, जिसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप चैटिंग या कॉल से मिल सकती है। अगले इंस्टीट्यूट को देखते हैं, संस्कार धाम ड्रोन अकेडमी गुजरात भी DGCA अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि ड्रोन पायलट सर्टिफिकेशन कोर्स करवाता है और कोर्स पेज पर कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल ID और एड्रेस मिल जाता है, जिस पर आप ट्रेनिंग की डिटेल, फीस स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जान सकते हैं। साथ ही यहां एक YouTube वीडियो के जरिए बताया गया है कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। अब MP के ग्वालियर शहर में भी स्टेट का पहला ड्रोन स्कूल खुल गया है और यह स्कूल MITS ग्वालियर में ओपन किया गया है। MITS की वेबसाइट पर ही इसकी डिटेल मिल जाती है। इस लिंक से कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है, साथ ही लेटेस्ट ट्रेनिंग की डिटेल भी।
पिछली ट्रेनिंग मार्च में हुई थी, जल्द ही न्यू बैच शुरू होगा। ड्रोन एकेडमी से भी अप्रूव ट्रेनिंग की जा सकती है, यहाँ वेबसाइट के पेज पर ही इनरोल पर क्लिक करने से ट्रेनिंग का फॉर्म मिल जाता है। आयोटेक वर्ल्ड हरियाणा में ड्रोन मेकिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड 4 तरह के ड्रोन बनाए जाते हैं। इवन यहाँ पर तो ड्रोन की डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस भी मिल जाते हैं। IIT रुड़की अब ड्रोन ट्रेनिंग के लिए गरुड़ एरोस्पेस से टाई अप कर चुका है और आने वाले कुछ महीनों में ही इस IIT से ट्रेनिंग या कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन्स भी जल्दी ही इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने वाला है। सेंटर ऑफ एरोस्पेस रिसर्च से 60 डेज का ट्रेनिंग किया जा सकता है। इसकी वेबसाइट से ही इनरोल करने से ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया जा सकता है। पर दोस्तों, कई तरह के फेक ड्रोन पायलट ट्रेनिंग स्कूल्स भी खुल गए हैं, जिनसे बचने के लिए गवर्नमेंट ने DGCA की वेबसाइट पर ही देश भर के ड्रोन पायलट ट्रेनिंग स्कूल और ट्रेनिंग की लिस्ट दे दी है, जो कि DGCA से ही अप्रूव्ड है। ये टोटल 23 है, जिनमें से कुछ में ट्रेनिंग देना शुरू हो चुका है और कुछ में शुरू होने की प्रोसेस कंप्लीट होना है। तो आप ध्यान रखिए कि DGCA से ही अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कीजिए, जो यहां पर मेंशन है, या जो इंस्टीट्यूट इनके अंडर ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हीं से ट्रेनिंग लेना है, जो कि मान्य होगी। करियर की बात की जाए तो अब डिमांड आने लगी है ड्रोन या ड्रोन से जुड़े हुए काम के लिए। जैसे गरुड़ एरोस्पेस की वेबसाइट में ही नीचे स्क्रॉल करने से हमें करियर पेज मिल जाता है, जिस पर क्लिक करने से आपको ड्रोन से जुड़ी अलग अलग फील्ड की जॉब मिल जाती है। इसी तरह से गंगटोक स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्लू रे एविएशन, ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयोटेक, एग्री उड़ान जैसे संस्थानों में ड्रोन पायलट की नीड है। साथ ही गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्रोन सर्विस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है, जिससे आने वाले 3 साल में 5 लाख जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे और टाटा स्ट्राइव भी ड्रोन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ड्रोन पायलट बनने के लिए जरूरी ट्रेनिंग की फीस 30,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक है और इस फीस में सभी जरूरी किट्स और ट्रेनिंग मटेरियल्स भी शामिल होता है। ये 5 से 7 दिनों की ट्रेनिंग होती है। आपको लाइसेंस भी मिलता है, जिसे कुछ सालों में रिन्यू करवाना होता है। ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं दी जा सकती, बिकॉज जब तक आप ड्रोन को अपने हाथों से नहीं उड़ा लेते आप सीख नहीं पाएंगे अच्छे से। हाँ, थ्योरी को आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। और हाँ, कैंडिडेट बहुत जल्दी जल्दी इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं और अपना करियर इस दिशा में बनाना चाह रहे हैं आप, तो जल्दी कीजिए। साथ ही साथ फ्री ट्रेनिंग नहीं मिल रही है कहीं भी दोस्तों, बिकॉज इस ट्रेनिंग में काफ़ी पैसा इंस्टीट्यूट को खर्चा करना होता है। हाँ, आने वाले टाइम में ये फीस कम हो जाएगी, बिकॉज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ओपन होंगे गवर्नमेंट के द्वारा। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए कि आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तब भी हायर एजुकेशन ज़रूर कीजिए, कंटिन्यू रखिए, बिकॉज करियर ऑप्शन में एडवांसमेंट होते ही रहते हैं। अगर आपकी एजुकेशन भी होगी तो फ्यूचर में आप सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बिकॉज ये टॉपिक बहुत बड़ा है। मैंने कोशिश तो की है ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को कवर करने की, पर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे ड्रोन पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी न्यू वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।